वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 5। इसमें हम सीखेंगे लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब समझिए, लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, जो एग्जीक्यूटर होता है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो अचीव करता है। इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो वो क्या क्वालिटीज है वो समझेंगे और अपने अंदर इनकलकेट शुरू करना हम शुरू करेंगे। देखिए, अभी तक हम मेंटल रिसोर्स के बारे में सीख रहे थे कि मेंटल रिसोर्स क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करके मेंटल रिसोर्स को यूज करके कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी एक्टर है, एक्शन टेकर है, एफिशिएंट एक्शन टेकर है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से अब जो भी सीखा है उसको एक्शन में कैसे लाए। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ क्लैरिटी। एक लीडर को हमेशा क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी हर एक चीज को लेके, अपनी प्रायोरिटीज को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, अपने वाई फैक्टर को लेके, वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, ये क्लैरिटी होता है। जो क्लैरिटी होती है वो डिपेंड करता है हमारे विजडम पे, और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो जो भी ये सेशन हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपकी क्लैरिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, और हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, क्योंकि जितनी नॉलेज हमारी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी लाइफ की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होना चाहिए अपने गोल को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। इस प्रोसेस में कहीं भी आप अगर स्टक करो तो वहाँ पे आप अपने मेंटर, अपने कोच से पर्सनल कोचिंग के थ्रू उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत चीज़ें सीखने को होती है, एक कोर्स में उतना हम नहीं कवर कर पाते, क्योंकि एक कोर्स में हमें लिमिट करना पड़ता है, टाइम लिमिटेड होता है, टॉपिक पे फोकस्ड होना होता है। लेकिन कई बार हमें इन आउट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं। जो आपका मेंटर कोच अगर बहुत एफिशिएंट है, वाइज है, तो उसके पास बहुत नॉलेज होती है, तो आपकी क्लैरिटी को फाइंड आउट करने में वो आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 5th मॉड्यूल पे हैं और इस जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं, या जो बाकी है इस मॉड्यूल में पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्या ये मेरी सारी नॉलेज इतनी ही है? नहीं, हम लोग को और बहुत सी डीपर इंसाइट्स होती हैं। हम लोग वो यहाँ कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की। बाकी कवर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग को टॉपिक सेंट्रिक होना होता है, क्योंकि टॉपिक से डेविएट होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट लैग करेगा, और भी बहुत से रीजंस होते हैं। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती है उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। कभी भी आपको क्लैरिटी इशू अगर आप फेस करो, क्योंकि क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग, तो उसमें अपने मेंटर कोच जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपसे ज्यादा वाइज है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटी। हमें हमेशा अपनी प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए। प्रायोरिटी को क्लियर करने के लिए ही हमने वो जो टॉपिक शुरू में लिया था कि 6 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, अपना रेटिंग कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, जो भी आपका वीक जोन है वो हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करने से हमारे ब्रेन को फोकस करने में वो हेल्प करता है। हमें हमेशा हमारी प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए। थर्ड थिंग इज लॉ ऑफ विजडम। विजडम का मतलब समझिए, विजडम को जो डिफाइन किया गया है, प्रैक्टिकल एबिलिटी, जैसे कोई भी चीज आपके एक्शन में है उसको हम लोग विजडम बोलते हैं। जैसे कोई बात आपको पता है तो वो नॉलेज है, अगर आपके एक्शन में वो चीज है, अगर आप कोई चीज समझ के इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं कि आपके एक्शन उससे गाइड हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं, तो उसको हम लोग विजडम कहते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉलेज टू स्किल, इसका मतलब किसी नॉलेज को अपने स्किल लेवल तक ले जाना, दैट इज विजडम। मींस प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी को विजडम कहते हैं। तो जो भी सीखे आप उसको एग्जीक्यूट करें, एक्ट करें, तो आपका विजडम बढ़ेगा। तो जो भी लीडर्स होते हैं उनकी विजडम बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ गिविंग मोर देन रिसीविंग। देखिए, जितने भी जायंट सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो कभी भी ना अपनी गिविंग में ना अपना टाइम बैरियर दिस दैट नहीं देखते हैं। जैसे कई बार हम में से क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम अपने सेल्फ एम्प्लॉयड में हो, हम गिविंग करने से पहले देखते हैं कि हमें कितना पे किया जा रहा है, क्लाइंट ने पे कितना किया है, हम ना अपनी गिविंग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अगर आप गिविंग को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ सक्सेस वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लॉ ऑफ गिविंग मोर का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई 10 का पे कर रहा है, आप उसको 20 की सर्विस दीजिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ गिविंग मोर। इससे होगा क्या कि आप अपना हाईएस्ट दे पाएंगे, बेस्ट दे पाएंगे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक आपकी जो गिविंग है वो सामने वाला उसको वैल्यू कर रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है उसको वैल्यू ना करे। अगर वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप उस पर्सन को चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट को चेंज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने इस हैबिट के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। हमेशा ये टेंडेंसी अपने अंदर रखिए, ये बहुत बड़ा लीडरशिप ट्रेट है। हमेशा अपने अंदर ये टेंडेंसी रखिए ज्यादा से ज्यादा गिविंग करने की। जैसे इस कोर्स के थ्रू
हम आपको ज्यादा से ज्यादा गिविंग करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी हैबिट है। एक चीज और समझिए, जो भी आप गिविंग करते हैं वो यूनिवर्स में गिविंग करते हैं। अगर आप किसी पर्सन को भी गिविंग कर रहे हैं तो भी यूनिवर्स का पार्ट है। तो जितना यूनिवर्स में आप गिविंग करेंगे, यूनिवर्स उतना आपको रिटर्न करता है, आपकी सक्सेस और ग्रोथ में उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है फेथ इन एक्शन। फेथ इन एक्शन का मतलब देखिए, फेथ इनविजिबल को विजिबल करता है। लीडर में वो एक विजन होता है, वो एक फेथ होता है, उसको नहीं दिखता लेकिन उसको फेथ होता है कि नहीं ये चीज वर्कआउट करेगी। इसको पावर ऑफ फेथ बोलते हैं। पावर ऑफ फेथ से किसी भी इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं। फेथ इन एक्शन का मतलब समझिए, जैसे हम लोग कई बार कुछ लोग बातों में बोलते हैं कि नहीं मैं इन पे फेथ करता हूँ, उन पे फेथ करता हूँ, बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आपका फेथ आपके एक्शन में दिखना चाहिए। नेक्स्ट है लीडर हमेशा रिस्क को समझता है और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कुछ लोग डर के मारे एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। देखिए हर एक वर्क में रिस्क तो होता ही है, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस। तो रिस्क को समझिए, एक्शंस लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका यही कहना है कि हमने कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके पछताओ। और जब भी आप कोई चीज करते हो तो आप पछताओगे नहीं, या तो सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगा, या तो लेसन मिलेगा। तो रिस्क को समझिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ये कोर्स बाय करना वो भी एक रिस्क था। जो लोग वो रिस्क नहीं ले पाए उनकी लाइफ में ये सब अपॉर्चुनिटीज, ये विजडम, ये स्किल्स, ये टेक्निक्स, ये रिसोर्स नहीं आ पाई। और जिसने आपने रिस्क लिया, देखिए आपके सामने क्या क्या, कितनी क्या पॉसिबिलिटीज, जो बेस्ट रिसोर्स हैं, जो बेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो सब कुछ आपके सामने हैं।